क्राइम ब्रांच ने भाजपा नेता की शराब पार्टी पर की छापेमारी। एक नाबालिग समेत 41 लोगों की गिरफ्तार। वलसाड पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने भाजपा नेता की शराब पार्टी पर छापेमारी की। इस दौरान एक नाबालिग समेत 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भाजपा नेता और वलसाड तालुका सरपंच संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल और नानकवाड़ा गांव के उप सरपंच गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल है और उन्हें मंगलवार दोपहर वलसाड जिला अदालत में पेश किया गया। गुजरात में वलसाड पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने रविवार देर रात एक भाजपा नेता की शराब पार्टी पर छापेमारी कर एक नाबालिग समेत 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक भाजपा नेता और एक उप सरपंच शामिल है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 15,000 रुपए मूल्य के 25 लीटर 5 कारें और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इनकी कीमत 35 लाख रुपए है। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक DM ढोल कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम को वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका की कंसरहरी गांव के एक फॉर्म हाउस में शराब पार्टी किए जाने की विशेष सूचना मिली थी। भाजपा नेता और वलसाड तालुका सरपंच संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल और नानकवारा गांव के उप सरपंच गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल है और उन्हें मंगलवार दोपहर वलसाड जिला अदालत में पेश किया गया है। वलसाड कस्बे के थाना प्रभारी DM ढोल ने कहा, हमने पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए सभी गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश किया है। विनोद पटेल ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वह दमन की शराब की दुकानों से शराब लाया था। हम इस मामले में मुख्य आरोपी और अन्य व्यक्तियों की पुलिस रिमांड प्राप्त करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोग रविवार देर रात विनोद पटेल द्वारा आयोजित एक पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें नानकवारा गांव के सरपंच भी थे। पुलिस ने कहा है कि अतिथियों को शराब भी परोसी गई। विधायक भरत पटेल ने कहा कि ये बात वलसाड विधानसभा क्षेत्र से BJP के मौजूदा विधायक भरत पटेल ने कहा। न केवल विनोद पटेल बल्कि वलसाड विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक पार्टी कार्यकर्ता है। मैं विनोद को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता। मुझे शराब पार्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी छापेमारी। पुलिस ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी छापेमारी की। धर्मपुर के भाजपा विधायक अरविंद पटेल ने कहा, ऐसी पार्टियां नई नहीं है, केवल गिरफ्तार किए गए लोगों को ही अपराधी कहा जाता है। मैं पार्टी के भीतर या बाहर राजनीति के स्कोर तय करने की संभावना से इनकार नहीं करता। विनोद पटेल के राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने शराब पार्टी के बारे में वलसाड पुलिस को इल्ता दी होगी। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग वलसाड विधायक भरत पटेल के करीबी है। अरविंद पटेल ने कहा कि राज्य में उनके करीबी विश्वास पात्रों को शराब पीते हुए गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी छवि खराब होगी। पार्टी के भीतर कोई पटेल के पंख काटने की कोशिश कर रहा है जो लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखे हुए हैं। गुजरात एक ड्राइव टेस्ट है और यहाँ एक कानून लागू है जो मादक पेय पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और खपत को प्रतिबंधित करता है।